मैं पंडित दौलतराम सारस्वत आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अद्भुत योग के बारे में, जो शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सुख प्राप्त कराता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे, और जिसने पहले से कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस जातक की जन्म कुंडली में लग्नेश बलि है, लग्न भाव का मालिक लग्न में बलि होकर बैठा है, लग्न की स्थिति अच्छी है, लग्न को शुभ ग्रह देखते हो तो लग्नेश के साथ में चंद्रमा बलि होकर बैठा है, लग्नेश और चंद्रमा की युक्ति हो तो उस जातक को शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। उदाहरण तौर पर एक कन्या लग्न की कुंडली लेते हैं। लग्न में बुध है और चंद्रमा साथ में बैठा है, बुध और चंद्रमा की युक्ति हो गई। लग्नेश का शरीर से संबंध है, यदि लग्नेश बलि है तो शरीर भी बलवान है, और लग्नेश शुभ ग्रह है तो जातक का स्वभाव सौम्य है और तथा शीतल भी है। चंद्रमा साथ में, चंद्रमा हर पदार्थ में रस डालने वाला होता है, वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए लग्नेश से शरीर भी, शरीर की आरोग्यता और बलि चंद्रमा से दीर्घायु होना आवश्यक है। दूसरी कुंडली लेते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न की कुंडली के अंदर लग्न में शुक्र और साथ में चंद्रमा बैठे तो उस जातक का शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। तुला लग्न की कुंडली लेते हैं, लग्न में शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शरीर सुंदर और स्वस्थ होगा। आगे दूसरे उदाहरण पर मीन लग्न की कुंडली लेते हैं। मीन लग्न में देवगुरु बृहस्पति के साथ में चंद्रमा है तो स्वस्थ, सुंदर और बुद्धिमान बनाता है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सुख मिलता है। धनु लग्न की कुंडली लेते हैं या कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं तो जातक को इन तीनों चीजों से सुखी रहता है, शरीर से, मानसिकता से और आत्मिकता से। यह जानकारी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय गणेश।